what you want to see. Cause I'll show it to you, tell me what you want from me. And I'll give it to you, what is it you want to see. Cause I'll show it to you. यार, मुझे करीना से मिलने दो प्लीज, छोड़ो यार। हेलो। अबे हेलो के बच्चे, सो रहा है अब तक? क्या यार तू भी, तेरे वजह से करीना के बरात आते आते छूट गई। अरे यार तू फिर सपना देख रहा था, किस्मत जाग गई हमारी और तू सो रहा है अब तक। सुबह सुबह फुटेज मत खा, पॉइंट पे आ। अरे पेपर देख, पेपर हम सब की फोटो आ गई, वो भी पेज 3 पे। वी आर फेमस यार, फेमस। सोच क्या इम्प्रेशन होगा लड़कियों पे। तू सच बोल रहा है कि खींच रहा है? तू वैसे भी खींच खींच के इतना लंबा हो गया है, तू जाके पेपर देख। वैसे मैं जरा बिजी हूँ। ओके ओके, आई जस्ट चेक इट। I want to go pee. Yeah, I'll be back. Wow, beautiful. Hi, gorgeous. I'm Chiku. Vanilla. And I'm strawberry. लगता है अच्छा मिल्कशेक बनेगा। Leave her alone. कोने में। She's my babe. Now you're in trouble. Arjun! Arjun? Don't worry, I'll handle him. कब सुधरोगे? किसी दिन मैं नहीं आ पाऊंगा ना तब समझोगे। अरे लड़की देखते ही पागल हो जाते हो, कुछ तो सोच समझ के किया करो। गुस्सा क्यों हो रहा है यार? जब तो ऐसे फंसेगा तो हम लोग भी तो आएंगे तुझे बचाने। मैं ऐसे फंसूंगा भी नहीं, तुम लोगों की तरह नहीं हूं। हाँ हम लोगों की तरह नहीं है, इसलिए अब तक अकेला है ना यार। जब तक 10 जगह पत्थर नहीं मारेगा तब तक हाथ कुछ नहीं आने वाला। मुझे कहीं पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, मैं तो चोट खाने का इंतजार कर रहा हूँ। ओह वाव क्या लाइन है यार। चल चल ज्यादा इमोशनल मत बन, जा बियर लेके आ। ओके यार। I want to hit him again. Are you mad? और तुम लोगों को हंसी आ रही है, पर चीकू तू बचा कैसे हो सांड के चुंगल से? अरे जब उसने मुझे पंच मारा तब उसका मोबाइल बजा, बस भागा वहां से मैं। ओह यू सो गुड, गॉर्जियस लेडी, यू आर सो क्यूट। मूव असाइड इडियट्स। सुधार जाओ। हेलो या केविन, व्हाट? ओके यू टेक इट इजी। हां वी आर जस्ट कमिंग। क्या हुआ अर्जुन? वो केविन की गर्लफ्रेंड, उसका एक्सीडेंट हो गया है, शी इज डेड। From ashes to ashes, from dust to dust, we send this beautiful creature into the land beyond. Excuse me. Excuse me? Where's Kevin? Kevin? Huh? Over there. He's very upset. Kevin? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अर्जुन, सब कुछ खत्म हो गया। मैं जेनिफर के बिना कैसे? मैं जानता हूँ तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बट यू विल बी ऑलराइट। वक्त हर जख्म भर देता है। ये सब कहने की बातें अर्जुन, जब तुम अपने प्यार को खो दोगे ना तब बात करेंगे। पर तुम क्या जानो, तुमने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, करते तो कभी नहीं कहते कि जख्म भर जाएंगे। पर तुम क्या जानो, तुमने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, करते तो कभी नहीं कहते कि जख्म भर जाएंगे। Sorry man. Sorry. मैम परसों साउथ अफ्रीका में ब्रेवरी अवार्ड्स नाइट है, ये उसके पासेस है, आप आएंगे ना? आप आना जरूर। हाँ क्योंकि हम दोनों को अवार्ड मिलने वाला है। ब्रेवरी अवार्ड फॉर यू गाइस। हाँ मुझे आज भी वो दिवाली की रात याद है जब मैं खिड़की में आराम से बैठ के स्वीट्स खा रहा था, तभी अचानक रॉकेट आया और मेरी आंख पे लैंड कर गया। मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ कोई है, तभी एक बच्चा आया, मैंने उसे पूछा बे ऐसा कैसे हुआ, उसने मुझे डेमोसेट करके दिखाया और उस तरह से मेरी दूसरी आंख भी चली गई। ओह सो सॉरी। मेरी और जेम्स की क्या दोस्ती थी, अक्सर हम लोग डांस करते करते गाना गाया करते थे। बेरी का बूटा इमली का पेड़। एक दिन डांस करते करते मुझे जेम्स का धक्का लग गया और मेरी टांग टूट गई। But how is it possible? हाँ क्योंकि जेम्स मेरा दोस्त हाथ ही था। You guys are so brave. We just want to hug you. Me first. Me Yes. Yeah, I'm coming. upset with you. तुझे हो क्या गया है यार? फ्लाइट लेके कहाँ चला जाता है आजकल? जब से तूने उस लड़की को देखा है ना, तू पागल हो गया। कुछ पता लगा उसके बारे में? नहीं यार, कैसे पता लगेगा? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। काजल मेहरा, that's my name। अच्छा, ये तो पता है कौन से कॉलेज में है, कौन से ईयर में है, क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 18 या 19। नहीं, आई एम 20। मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो काम करने की क्या जरूरत है। वेल, मेरे पापा हमेशा कहते हैं जिसे जितनी दूर जाना होता है सफर उतनी ही जल्दी शुरू करना पड़ता है, और मैं जिंदगी में बहुत दूर जाना चाहती हूँ। पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं। Congrats, आपको ये नौकरी मिल गई। I'm proud to meet an Indian with your attitude. आप मंडे से ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको काउंटर पे अपॉइंट किया जाएगा। All the best, and I'm sure you will go far. This is not going anywhere. मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ऐसे बैठे रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। उसे बाद में ढूंढना, पहले रॉकी के लिए प्रेजेंट ढूंढना होगा। इट्स हिज बर्थडे टुडे यार, और हमें उसकी पार्टी में जाना है। ओह शिट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। क्या यार, लेट्स गो। कम कम। थैंक्स अ लॉट। हाय ब्यूटीफुल। हाय हाय रॉकी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स यार। थैंक्स अ लॉट अर्जुन फॉर कमिंग यार। कांग्रेट्स। हाउ आर यू मैन? अमेजिंग प्लेस। आज रात तो फुल ऑन पार्टी। हां, I'm Chigu Chopra, casting director of Yash Raj Films. Hi, I'm Juliana. Hi, I'm Romeo Chopra, casting director of Yash Raj Films. Hi, I'm Jenny. तुम Bollywood में try क्यों नहीं करते? How do I? मैं तो किसी को जानती तक नहीं Bollywood में। मैं हूँ ना, I will help you. तुमने मिस्टर चोपड़ा का नाम सुना है? Yes, of course. मुझे उनकी सभी फिल्में अच्छी लगती है। He is my uncle. He is your uncle? हाँ, actually यश अंकल एक नई लड़की ढूंढ रहे हैं अपनी next movie साउथ अफ्रीका नमस्ते के लिए। साउथ अफ्रीका नमस्ते। Yes, it's a sequel of सलाम नमस्ते। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि प्रीति तुम्हारी माँ का रोल करेगी और सैफ तुम्हारे बाप का रोल करेगा। No no no, I don't want Saif to be my father। अरे नहीं नहीं, खाली कैमरे के आगे वो तुम्हारा बाप है, कैमरे के पीछे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ये शंकर ने मेरे दोस्त डुगू को साइन किया है। डुगू कौन है? कोई नया लड़का है क्या? अरे तुम डुगू को नहीं जानती? मेरा पुराना दोस्त ऋतिक। Oh my God, Ritik! Oh, control baby. लगता है बात बन गई। I can do anything for you. I want to meet Yash uncle. Please give me your number. Sure. Sorry Yash uncle, but और कोई रास्ता नहीं था। Hi Jenny, I will give you good news. मैं यश अंकल की next film South Africa Namaste कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? South Africa Namaste तो मैं भी कर रही हूँ। लगता है बात बन गई। साउथ अफ्रीका नमस्ते, सलाम नमस्ते। अरे यार, तुझे पूरे बॉलीवुड में यश अंकल ही मिले थे। अबे मैं क्या करूं यार, पूरे बॉलीवुड में यश अंकल के अलावा और कोई चलता भी तो नहीं है। अरे नहीं यार। अरे ले यार, कम ऑन, चीयर्स। Excuse me. Miss you every day. Miss you every day. Don't look so shocked. मैं किसी को नहीं बताऊंगी। But just one question. अगर आप पीना नहीं चाहते, तो ग्लास लेने की जरूरत क्या है? वो मेरे दोस्त ने दी ना तो मना कर देते। उसे ना नहीं कह पाया। ओ, तो तुम दिल की बात छुपाने वालों में से हो। Yeah, kind of. I don't believe in that. By the way, I'm Kajal. Hi. Hi, I'm Arjun. And I'm taking you away. Let's cheer for Rocky. Come on. खामखा आपको तकलीफ हुई मेरी वजह से। नो प्रॉब्लम, तकलीफ क्या? आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। अकेले थोड़ी जा सकती थी आप इतनी रात को। That looks so beautiful ना? कितनी अच्छी लगती है ना बिल्डिंग्स रात को। हाँ, रात के अंधेरे में लाइटिंग की वजह से बहुत कुछ छुप सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बिल्डिंग की सिमेट्री पूरी गलत है। इसके प्लान में खूबसूरती को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके इसकी सिमेट्री को बिगाड़ दिया गया है। Really? पर देखकर ऐसा नहीं लगता। दूर से अच्छी लगने वाली हर चीज जरूरी नहीं कि पास से भी खूबसूरत हो। True? पर तुम्हें बिल्डिंग्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर में डिग्री की है। Really? तो तुम बिल्डिंग्स बनाते हो? नहीं, मैं बनाता कुछ भी नहीं। ओ, वहाँ से राइट था, मेरा घर वहाँ पर है। यू टर्न ले लोगे? Thanks so much for the lift. It was really nice meeting you. My pleasure. Bye. Bye. By the way, तुम गाते बहुत अच्छा हो। Thanks so much. Bye. Take care. मुझे भी नहीं पता था। What? I mean, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आती हो। मैं 5 साल से यहाँ आ रही हूँ। मैं भी यहाँ सालों से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। और मुझे अब मिलने लगा है। क्या? सुकून। चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। अर्जुन, meet my mom. Mom, ये है अर्जुन. He's a really nice guy. मॉम को गए 5 साल हो चुके, पर उनसे बात किए बिना एक दिन नहीं जाता। मैं उन्हें सब कुछ बताती हूँ. She's my best friend. I miss her a lot. Anyway, चलिए. By the way, कल रात हमारी बात अधूरी रह गई थी. तुम कह रहे थे कि तुम आर्किटेक्ट हो और बिल्डिंग्स बनाते हो। नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ मगर कुछ बनाता नहीं। What do you mean? मैंने डिग्री की है मगर प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी। मॉम और डैड दोनों नहीं रहे मगर जाने से पहले इतना सब कुछ छोड़ गए कि काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Forget about me. तुम क्या करती हो? मैं सेंट जॉर्ज कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ती हूँ और कॉलेज के बाद केप टाउन ट्रेन स्टेशन में नौकरी। काम भी करती हो? वाओ। या, आई हेट वेस्टिंग टाइम। मेरे पापा हमेशा कहते हैं जो कुछ नहीं करता उसका कुछ नहीं होता। तो चलो I'll drop you. Okay. Come. Thanks. काजल, कल मिले? कल आई एम बिजी। सॉरी अर्जुन। बिजी? पर कल तो संडे है और कॉलेज भी नहीं। कुछ काम है। इट्स पर्सनल। बाय। बाय। रेसलेस क्यों है? फिर काजल के बारे में सोच रहा था ना? देख, उसने कहा कि पर्सनल काम है, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं यार, मैं नहीं मानता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। नहीं मानता या माना नहीं चाहता? एनीवे, कल तो पता चल ही जाएगा। What were you saying? Yeah, you know, we were talking the other day. No, don't waste my time. I know you were following that girl. Yep. Yeah. I know. I know it. Thanks. Anyways, all the best, ma'am. You take care. कैसे करूं बयां एक बार ओ कह दे में जाना इस दिल का इलाज कर। गुमसुम है दिल मेरा आजकल, गुमसुम है दिल मेरा, गुमसुम है दिल मेरा आजकल, गुमसुम है दिल मेरा। पता नहीं क्यों जब भी तुम सामने आ जाती हो तो कुछ कह नहीं पाता, कुछ कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, बस तुम्हारी आवाज ही सुनते रहने को जी चाहता है। तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब यह कहना जरूरी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, बस तुमसे सुनना चाहता हूं कि क्या तुम भी मुझसे हाय हाय। व्हाट अ सरप्राइज। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही। कॉफी? या आई डोंट माइंड। ओह हाँ। पता नहीं क्यों जब भी तुम सामने आ जाते हो तो कुछ कह नहीं पाता, कुछ कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, बस तुम्हारी आवाज़ ही सुनते रहने को जी चाहता है। तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब यह कहना ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बस तुमसे सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझसे। काजल, वो काजल, आई एम सॉरी। सॉरी अर्जुन, आई एम वेरी एंग्री। मैं तुम्हें इतने दिनों से जानती हूँ, अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, और तुमने मुझे अब तक नहीं बताया। काजल, मैंने कहा ना आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जल्दी बताओ वो है कौन। कौन? अरे बाबा, वही जिसे तुमने लव लेटर लिखा। तुम नहीं जानती? कैसे जानती, तुमने नाम ही नहीं लिखा। ओह, है कोई? What do you mean है कोई? नाम बताओ। वो छोड़ो, पहले ये बताओ लेटर कैसा लगा? Very nice. कितना अच्छा लिखते हो तुम। तो तुम्हें लगता है ना हाँ कहेगी? मुझे क्या पता? It depends. कैसी है वो लड़की? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मेरे जैसी? तो फिर मुश्किल है। देखो अर्जुन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती। जैसे तुमने आर्किटेक्चर किया है मगर काम नहीं करते, अपने फैमिली के पैसों से जिंदगी गुजारते हो, जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं हो, अपनी कोई पहचान, कोई पोजीशन नहीं है। तुम बताओ, कोई लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे कर सकती है? और रिस्पेक्ट के बिना प्यार नहीं हो सकता। बट दैट्स जस्ट व्हाट आई थिंक। क्या पता उसके ख्यालात अलग हो। उस लड़की का तो पता नहीं, मगर मैं सिर्फ ऐसे लड़के से प्यार कर सकती हूँ जिसने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बनाई हो। What's your name? My name is Javed. कल सेट काम पे मत आना। जी? You're fired. But sir, what's wrong? ये प्ले कार्ड देखा, क्या लिखा है? आपका नाम सर? ठीक से पढ़िए, जहाँ पे U है वहाँ पे O को होना चाहिए। Sorry sir, it's a silly mistake. That's my name. जो अपने बॉस के नाम को सीरियसली नहीं लेता, उसके काम को सीरियसली क्या लेगा? Good morning, Martha. I've landed. Are we all set for the presentation? But sir, I've already postponed the presentation for tomorrow. Why? Did the clients postpone the meeting? No, sir. I called them. Your flight was delayed, so I thought you might need some time to relax. Don't make decisions on my behalf. Do you understand that? I'm sorry, sir. There will be no excuse next time. Let's go home. Hi, sweetheart. Hi, Mom. तुम इतने जल्दी घर आ गए? एयरपोर्ट से ऑफिस जाने वाले थे ना? Don't ask, Mom. It's been a bad day. पता नहीं कहाँ से ऐसा स्टाफ मिला है. Stop it, रणवीर. ऑफिस से फोन आ चुका है ऑलरेडी. तुमने उस जावेद को डिसमिस किया? Mom, इन मामलों में इंटरफेयर मत कीजिए, प्लीज. This is work, और मैं इन बातों में इनएफिशिएंसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा. आखिर लॉयल्टी भी कोई चीज होती है, रणवीर. बस मैंने कह दिया, उसे डिसमिस नहीं करेंगे. Mom, आपने ऐसा क्यों किया? They won't take me seriously. सब तुझसे डरते हैं, रणवीर. और अपनी मामा के लिए इतना भी नहीं कर सकता है तू? प्लीज उसे और किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे. प्लीज उसे डिसमिस मत कर. ऑलराइट. आप जानती है मैं आपको ना नहीं बोल सकता, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? मॉम, एनीवेज आई जस्ट फ्रेशन अप. थैंक्स. तुमने आर्किटेक्चर किया है मगर काम नहीं करते, अपने फैमिली के पैसों से जिंदगी गुजारते, जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं हो, अपनी कोई पहचान, कोई पोजीशन नहीं है. कोई लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे कर सकती है? और रिस्पेक्ट के बिना प्यार नहीं हो सकता. अर्जुन बॉम्बे चला गया, पर क्यों? पता नहीं, कल अचानक उसका फोन आया कि बॉम्बे जा रहा हूँ. कितने दिनों के लिए गया हुआ है? वो तो उसने नहीं बताया, कह रहा था काफी टाइम लगेगा. इनफैक्ट बात तो ऐसे कर रहा था कि वापस आएगा ही नहीं. मुझे लगा कि तुम्हें कुछ पता. ओ बाय द वे, उसने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है, शायद इसमें कुछ लिखा हो. काजल, तुमने ठीक कहा, मेरी कोई पहचान नहीं, कोई पोजीशन नहीं, मेरी इज्जत कोई क्यों करेगा. सोचा था जिंदगी के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी है, पता नहीं था कि प्यार के लिए इज्जत ज़रूरी है. मैं जा रहा हूँ, अब तब लौटूंगा जब मेरा अपना वजूद होगा. अगर वो पा सका तो तुमसे आके मिलूँगा और बताऊंगा कि वो लड़की कौन है जिससे मुझे प्यार है. गुड बाय और अपना ख्याल रखना, अर्जुन. याद है ना रणवीर, आज तुम्हें कॉलेज भी जाना है? हाँ माँ, याद है, कैसे भूल सकता हूँ. आपने जो मुझे फंसा दिया इस लेक्चर में. आप जानती मुझे ये सब पसंद नहीं. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. नथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम बेटा. तुम्हारे पापा सेंट जॉर्ज कॉलेज की ट्रस्ट के चेयरमैन थे और इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया. गो आउट देयर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, उन स्टूडेंट्स को बता कि तू इतना सक्सेसफुल बना कैसे. क्या पता तेरे लेक्चर से किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए. मॉम प्लीज, किसी को लेक्चर से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती. सिर्फ वही आदमी कुछ बनता है जो दिल से कुछ बनना चाहे. एनीवेज, आपने बोल दिया है तो मैं जा रहा हूँ. रात को लेट आऊंगा. प्लीज डोंट वेट फॉर डिनर. ओके. मैं कल रात से सोच रही हूँ सूजी, मैंने उसका दिल तो नहीं दुखाया ना? क्या पता, शायद इसलिए वो इस तरह अचानक चला गया. इट्स स्ट्रेंज, पर मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो. प्यार? आर यू क्रेजी? अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है. ही इज अ ग्रेट गाय. मुझे बहुत पसंद है. हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल भी है. पर उससे क्या होता है, तुम्हें पता है ना मुझे किस तरह का लड़का पसंद है. या वेल, मुझे यहाँ बुलाया गया है आप लोगों को लेक्चर देने के लिए, बट आई डोंट बिलीव इन लेक्चर्स. मैं सिर्फ काम में बिलीव करता हूँ, अचीवमेंट्स में बिलीव करता हूँ. मैं मानता हूँ जितना वक्त हम बातें करने में ज़ाया करते हैं, अगर उतना ही वक्त काम में लगा दें तो एवरी मैन कैन बी सक्सेसफुल, मेरी तरह. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट बैक टू आवर रिस्पेक्टिव वर्क. थैंक यू. हे काजल, आई वांट टू इनवाइट हिम फॉर माय एंगेजमेंट. यार तू पागल हो गई है क्या? वो क्यों आने लगा तुम्हारी एंगेजमेंट में? He's too big. You leave that to me ना. Come ना, please. Excuse me. Excuse me. Yes. Hi, I'm Suzanne, and she's my friend Kajal. Hi. I have a small request. Yes. वो आपने कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात की. We are truly impressed. Thanks. एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आए. इट विल बी एन ऑनर. लगता है आपने बात ठीक से सुनी नहीं. जी मैंने कहा मुझे अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है, सो आई विल कम फॉर योर एंगेजमेंट। यू वेस्टेड माई टाइम एंड योर्स। हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज मी, आपको किसी के साथ इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। हम सब आपके लेक्चर सुनकर इम्प्रेस हो गए थे, आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बट थैंक गॉड आपसे बात हुई। आपने तो सक्सेस के लिए अपनी इंसानियत को मार डाला। एंड यूर राइट, वी रियली वेस्टेड आवर टाइम। गुड डे टू यू। कम ऑन सूजी। I will give you some work. Let's go home. Come. This is my house. You look hungry. Can I get you something to eat? Yes! Yeah. Huh? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे भी यही लड़की मिली थी फ्लर्ट करने के लिए? Who are you? Who the hell are you? Yeah. I think I've seen you somewhere. Yeah. Okay. So you guys are dumb. Yeah. Come, I will test you. तेरी माँ की काली मार। आपने तो सक्सेस के लिए अपनी इंसानियत को मार डाला। एंड यूर राइट, वी रियली वेस्टेड आवर टाइम। गुड डे टू यू। रणवीर, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही। मॉम, एक बात पूछूं आपसे? क्या आपको लगता है मुझ में इंसानियत नहीं है? क्या? ये क्या पूछ रहे हो तुम? कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? ऐसा ही कुछ मॉम, एक ओवर स्मार्ट लड़की मिली आज जिसने ऐसा कहा, पता नहीं क्यों। तब से मैं सोच रहा हूँ। तुम उस लड़की का नाम जानते हो? मैं उससे मिलना चाहूंगी। नहीं मॉम, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, कल तक भूल जाऊंगा। यही तो मैं नहीं चाहती कि तुम कल तक भूल जाओ। व्हाट? मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगी। बोलो, कब मिलवा रहे हो? कम ऑन मॉम। कम ऑन रणवीर। ओके। मैम, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है आपका बेटा इस कॉलेज का ट्रस्टी है और मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, पर वो मेरे फ्रेंड के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। आई एम वेरी सॉरी मैम, प्लीज़ मेरे खिलाफ एक्शन मत लीजिए। मुझे बहुत मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। एक्शन तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे घर आना होगा, वो भी परसों। जी यंग लेडी, तुमने जो कल किया बिल्कुल ठीक किया। रणवीर की गलती थी। There is no excuse for rude behavior. तो परसों मेरे घर कॉफी के लिए, ओके? ओके। रणवीर। या। मुझे पसंद है। क्या? मुझे लड़की पसंद है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हम उसे जानते तक नहीं। तो जान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? इसीलिए तो घर पे बुलाया है। और याद है ना तेरा वादा, मेरी बहू मेरी चॉइस की होगी, आगे तेरी मर्जी। मॉम। रणवीर। ओके, ऑलराइट, पहले मिल तो लेते हैं। ओके। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। एक्सक्यूज मी। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड दैट डे। आई होप तुमने मुझे माफ कर दिया। Yes. But what about us? And the love we had, and the things you said we tried to. मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। ये सब तुम्हारे लेक्चर का असर है। By the way, मैं आपको warn करना चाहता हूँ। Warn? हाँ, मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। What? इतना चौक क्यों रही? मैं स्मार्ट हूँ, सक्सेसफुल हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है। I can't be that bad. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। I know, मैंने भी यही कहा, बट जल्दी क्या है, जान लेंगे। We can start now. I want you to think about it seriously. मेरे लिए मेरी मॉम की खुशी के आगे कुछ नहीं है, and I want you to think about it, okay? तू अपनी गाड़ी नहीं लाई ना आज? मैंने बताया ना, मैं रणवीर के घर जा रही हूँ। उनकी मॉम ने मुझे कॉफी पे बुलाया। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। ये लगता है रणवीर आ गया। ओह, आई सी यू लेटर, बाय। बाय। मैम, रणवीर सर has sent the car for you. The clients will be there by tomorrow. Yeah, and I should be there by the evening. Yeah, positive. Around 5:30. Hi. Yeah. Oh, hi. Please come. Hi. It's an important decision. Mom's over there. Okay. Please make yourself comfortable. Okay. Yeah. I was worried about the completion because the moment he comes, we got to check about the files. Yeah. मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि कोई अपने काम में इतना बिजी कैसे रह सकता है कि घर आए मेहमान से बात भी ना करे। इसमें रणवीर की कोई गलती नहीं है काजल। रणवीर के पापा वॉज अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत से बनाई और रणवीर से भी यही उम्मीद रखते थे वो। उन्होंने रणवीर को यही सिखाया कि काम के आगे और कुछ भी नहीं। रणवीर सिर्फ 15 साल का था जब उसके पापा चल बसे। I'm sorry. उसके बाद सारा कारोबार रणवीर ने ही संभाला। अपना बचपन तो खो ही दिया उसने, पर अपने पापा का हर सपना पूरा किया। जब उसकी कामयाबी देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे, पर दुख भी होता है जब उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचती हूँ जिसे उसने अपनाया नहीं, खो दिया। वेल, यू वंडरिंग ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। काजल, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसकी बातों का असर रणवीर पे हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में आओगी तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। काजल, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, और मेरा विश्वास है कि अगर तुम जान जाओगी तो मेरी बात भी मान जाओगी। ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट डिसीजंस एक या दो मुलाकातों में नहीं लिए जाते, और मैं इसकी उम्मीद भी नहीं करती हूँ। ओके, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम उसे जानो, पहचानो, और उसके बाद काजल तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। दैट्स अ प्रॉमिस। आई डोंट नो व्हाट टू डू। बहुत अच्छा लड़का है, पर सिचुएशन बहुत अजीब है। 2 दिन में शादी की बात, क्या करूं? बताओ ना मॉम, अगर आप यहाँ होते तो जरूर सही फैसला करती। आई मिस यू मॉम। सॉरी, वो मीटिंग में डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी मॉम का आइडिया बिल्कुल ठीक था, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, शादी कर लोगे तो बीवी काम में मदद तो करेगी। शी कैन शेयर योर वर्क। नॉट एट ऑल। मैं अपनी बीवी को काम करने नहीं दूंगा, उसकी जरूरत ही क्या है? उसका काम सिर्फ माँ का ख्याल रखना होगा, और जब मैं हूँ तो उसे काम करने की क्या जरूरत है? व्हाट्स द प्रॉब्लम काजल? मेरी समझ में नहीं आ रहा। स्कूल के दिनों से तू हमेशा कहती थी कि तुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई हो, जिसकी अपनी खुद की पहचान हो, और अब जब तुझे ऐसा लड़का मिल गया है तो कहती है कि तू कंफ्यूज्ड है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि रणवीर में वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट लड़के में होना चाहिए, पता नहीं क्यों मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। देख काजल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आई डोंट थिंक यू शुड लेट गो ऑफ रणवीर। आई विश अर्जुन यहाँ होता, उससे पूछती तो ज़रूर जवाब मिल जाता। पता नहीं कहाँ चला गया है, इतने दिन होने को आए, ना कोई खबर ना कोई पता। एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी यू लेटर। टेक केयर। बाय। Thank you for the lovely flowers. My pleasure. तुम्हें कैसे पता मुझे white roses पसंद है? मुझे नहीं पता. वो फूल तो मेरे सेक्रेटरी ने सेलेक्ट किए थे. और वो नोट? वो भी. But how does it matter? फूल भेजने का आइडिया तो मेरा ही था ना. But anyways, अब जब तुम फूलों से इम्प्रेस हो ही गई हो, तो how about spending the day with me? Sadie, Sadie, my baby, baby girl, do you feel me? Lady, lady, my Sadie, Sadie, my baby, baby girl, do you feel me? दीवाना तेरी आँखों का, मैं जाने जाना. दीवाना तेरी बातों का, मैं जाने जाना. दीवाना तेरी आँखों का, मैं जाने जाना. दीवाना तेरी बातों का, मैं जाने जाना. Sadie, Sadie, my baby, baby girl, do you feel me? Lady, lady, my Sadie, Sadie, my baby, baby girl, do you feel me? सुबह का पता, रातों की खबर, दिल ने जब से तुझसे दिल लगाया क्यों? कोई भी हंसी जचती ही नहीं, जिस मोजा पे तेरा जादू छाया. तू ही मेरा प्यार है, तेरा इंतजार है, मेरी जीत हार है, तेरी बाहों में. मैं ना मेरा हूँ, तू ना तू रहे, सांसें मेरी तुझसे आए जाए. तू भी तो कभी भूले से सही, मुझ पे कर दे इन पलकों के साए. तू भी मुझसे प्यार कर, मुझसे आके चार कर, मेरा इंतजार कर, मेरी राहों में. दीवाना मेरी आँखों का, तू जाने जाना. दीवाना मेरी बातों का, ये मैंने माना. दीवाना मेरी आँखों का, तू जाने जाना. दीवाना मेरी बातों का, ये मैंने माना. साथिया मुँह मोड़ के, ना दूर जा दिल तोड़ के, नजदीक आ सब छोड़ के, जाने जाना. दीवाना तेरी आँखों का, मैं जाने जाना. दीवाना तेरी बातों का, मैं जाने जाना. दीवाना तेरी आँखों का, मैं जाने जाना. दीवाना तेरी बातों का, मैं जाने जाना. साथिया मुँह मोड़ के, ना दूर जा दिल तोड़ के, नजदीक आ सब छोड़ के, जाने जाना. क्या हो रहा है यहाँ? काजल की एंगेजमेंट हो रही है. Oh! यार तू पागल हो गया क्या? उस लड़की के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली और अब तू उसे मिलना ही नहीं चाहता? मिलके क्या करूंगा यार, शी इज एंगेज्ड। हाँ तो क्या हुआ, तेरी अच्छी दोस्त भी तो है वो। पता है तू जब यहाँ पे नहीं था तो कितना याद कर रही थी तुझे, हमेशा पूछती थी कि तू कैसा है, तेरी कोई खबर आई कि नहीं। यार शी इज सो वरीड अबाउट यू यार। और फिर बॉम्बे जाके तूने जो कमाल किया है वो भी तो उसे बताना है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट्स द बिग डील? इट्स अ बिग डील ओके। 100 आर्किटेक्ट्स के एंट्रीज में से सिर्फ तेरी एंट्री को बेस्ट स्लम रिहैबिलिटेशन डिजाइन डिक्लेयर किया है और तुझे $600 मिलियन के प्रोजेक्ट का चीफ आर्किटेक्ट बना दिया है। तू बोल रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। देख तू काजल से मिल या ना मिल, मैं उसे जरूर बताऊंगा कि तू यहाँ आ गया है। देख तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे सोचने दे। डोंट वेस्ट टाइम अर्जुन, जल्दी डिसाइड कर ले क्योंकि अगले हफ्ते सुजैन की शादी होने वाली है। हाँ। और हम सब परसों रॉबिन आइलैंड जा रहे हैं, वहाँ काजल भी होगा, तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। अलसी यार। John and I would like to thank all of you for being here. अगले 7 दिनों में हमारी शादी होने वाली है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे सारे दोस्त हमारे साथ होंगे। Absolutely, you're our guest for the next 7 days. We're gonna party, relax, and rock this island. Cheers! Yeah! Cheers! Cheers! So what do you guys do? हम लोग hunting करते हैं. That's great. I love hunting. So what guns do you guys use? They hunt without guns. They are looking so happy, ना? सोचा नहीं था वक्त इतनी तेजी से निकल जाएगा। मतलब अभी-अभी तो हम सब मिले थे और अब सुजैन की शादी हो रही है। Yeah. Feels so strange ना? Yeah. But I'm missing Arjun यार। अगर वो यहाँ होता तो कितना मजा आता। कुछ पता चला वो कहाँ गया है? नहीं। तुम्हें क्या लगता है रोमियो? क्या वो कभी वापस आएगा? I wish he does. Love knows no condition. If you truly love her, you must be happy in her happiness. She has given true meaning. प्यार कोई सौदा नहीं है। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, तो उसकी खुशी में तुम्हें अपनी खुशी मिलेगी। और वैसे भी तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी का मतलब पाया है, इतनी कामयाबी हासिल की है। तुम्हें उसे जाकर मिलना चाहिए। Thank you रणवीर। For what? For spending this time with me. मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अपने काम को 7 दिन के लिए छोड़ सकते हो, पर मेरे कहने पर तुम यहाँ आए और एंजॉय भी कर रहे हो। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। अगर तुमने मुझे यहाँ इन्वाइट नहीं किया होता तो ये सब देखने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं। कितना रिलैक्स लग रहा है यहाँ, मैं तो भूल ही गया था कि कुछ ना करने में भी कितना मजा है। You know what? We should do this more often. One second. Yes, Martha? What is it? Sorry to disturb you, sir. Mr. Bristol just called from London, and he's coming into the office tomorrow to sign the contract. He wants to finalize the deal. That's great. Ask Cliff to handle it. That's the problem, sir. Mr. Bristol's made it very clear that he will only sign in your presence. Okay, I'll be there. Sorry. Come on, काजल, इतना अपसेट क्यों हो रही है? एक दिन की बात है, I'll be back in the evening. बात एक दिन की नहीं है, जब भी तुम्हारे काम की बात होती है तुम सब कुछ छोड़कर चले जाते हो। ऐसा लगता है तुम्हारे बिजनेस के सामने तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। मैं भी नहीं। I have to leave, काजल. I'm getting late. मिस्टर ब्रिस्टल को कहना कि मैं नहीं आ पाऊंगा। But sir, he's landing in half an hour. I don't care. उनसे कहना मैं हॉलिडे पे हूँ and I cannot be disturbed. But sir. Bye, Martha. Hey, where you headed? I'm going to the Robben Island. You and I'm going there. Hop in. Thanks, man. By the way, I'm Arjun. Hi, I'm Ranveer. Are you on a holiday? Sort of. मैं एक wedding attend करने के लिए आया हूँ. What a coincidence. मैं भी एक wedding attend करने जा रहा हूँ. Yeah? मेरी एक close friend की, Suzanne. Suzanne? Is that Suzanne and John? आप जानते हो उनको? Oh my God. What a small world. Actually, मेरी fiancée जानती है उनको. मैं उसी wedding के लिए जा रहा हूँ. So bizarre. तो अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दोगे। That's romantic. प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। You know, she'll be so happy to see me. तो तैयार है ना? हाँ यार, लेकिन तू इसी को बुलाना है। तू पहले गिर तो सही। हाँ। अरे मेरा दोस्त बेहोश हो गया, इसे बचा लो प्लीज, ये मर जाएगा, प्लीज इसे बचा लो, प्लीज समवन हेल्प माय फ्रेंड, प्लीज समवन हेल्प। हेल्प इन एनी वे। अरे चाचा आपको किसने बुलाया, जाके अपना काम करो यार। क्या होता है? अरे मेरा दोस्त बेहोश हो गया, प्लीज कोई तो आ जाओ, प्लीज इसे बचा लीजिए। कैन आई हेल्प यू? अरे माँ जी आप यहाँ क्या कर रही है? डोंट यू स्क्रीम एट मी। मेरा दोस्त बेहोश हो गया, प्लीज कोई तो लड़कियाँ किसे बचा ले, प्लीज इसकी हालत बहुत खराब है। ये मेरा फ्रेंड बेहोश हो गया, प्लीज इसे बचा लीजिए। Okay, what can I do to help? इसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे दो, ये ठीक हो जाएगा। He's your friend. Why don't you try? अरे मैं नहीं ट्राई कर सकता, मैंने अभी कांदा खाया है। Okay, I'll try. Move. I will help my friend. तुम बिना बताए चले गए। अच्छा वो छोड़ो, क्या तुमने उस लड़की को अपने दिल की बात बताई? It's too late. उसकी सगाई हो चुकी है। तो क्या हुआ? तुम्हें फिर भी बताना चाहिए। Don't be silly रणवीर, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो वो उस लड़के से प्यार करती होगी ना? तो क्या हुआ काजल, उसे अब तक पता नहीं कि अर्जुन उसे चाहता है। अर्जुन उसे बता देगा तो एटलीस्ट उसके पास चॉइस रहेगी ना कि उन दोनों में से बेटर लड़के को चुने। ऐसे डिसीजन सारे ऑप्शन देख के किए जाते हैं। तुम हर फैसले में फायदा और नुकसान देखते हो, दिल के मामलों में ये सब नहीं देखा जाता। अगर मैं वो लड़की होती तो अपना एंगेजमेंट कभी नहीं तोड़ती। नहीं काजल, आई थिंक यू आर रॉन्ग। बट यार इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। इट डजंट वर्क आउट। अर्जुन, अर्जुन क्या? चलो। यार अर्जुन, रणवीर बहुत अच्छा लड़का है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो काजल के लिए ठीक नहीं लगता। तुझे ऐसा क्यों लगता है? तूने उसका बिहेवियर देखा है? वो सब कुछ करता है जो एक अच्छे बॉयफ्रेंड को करना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं है जो प्यार में होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से शादी भी उसके लिए बिजनेस डील की तरह है, एक नाप तौल के किया गया फैसला। तू बकवास कर रहा है। ही इज अ नाइस मैन, वो काजल को खुश रखेगा। आई एम नॉट सो श्योर। I'll call him tomorrow for sure, all right? Yeah, please do that. And please finish it off, okay? Yeah. No. Yeah. I'll just call you back. All right, bye. Hey, hi Arjun. Hi. तुम अंदर नहीं आए? I was busy on the phone, yaar. I'm sorry. You should have come. बहुत सुकून मिलता है। मुझे सुकून अपने काम में मिलता है। और अब तो मुझे काजल भी मिल गई है। अंदर जाके भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। अगर सब कुछ मिल गया है तुम्हें, तो अंदर आके उनका शुक्रिया अदा कर देते। You look sexy. Hello? Yeah, Martha. Arjun, come dance with me. थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। Come. काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि कौन है वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ। हाँ। तुम ही हो वो लड़की काजल। रिलैक्स, जस्ट किडिंग। मैं मजाक कर रहा था। तुम ही ने कहा ना कि थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूँ कि तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मैंने तो उसे प्रपोज नहीं किया ना, सोचा तुम्हें ही प्रपोज कर दूं। पागल हो तुम। By the way, what are your plans after marriage? पता नहीं, घर संभालूंगी, शॉपिंग करूंगी। क्या? तुम शादी के बाद काम नहीं करोगी? नहीं, रणवीर कहता है मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ, मगर क्या तुम भी यही सोचती हो? नहीं, पर क्या करूं? Come on, काजल, तुम्हें रणवीर से बात करनी चाहिए इस बारे में। तुम्हें कहती थी ना कि तुम्हें जिंदगी में बहुत दूर जाना है और इसलिए तुमने सफर बहुत जल्दी शुरू किया, तो फिर ये कैसा फैसला? You can't do this to yourself. You have to do something. May I? Yeah, sure. I'll see you guys later. Sure. अर्जुन इज सो स्वीट। कितना अच्छा लड़का है। आई फील रियली बैड फॉर हिम। क्यों? कब से किसी के लिए अपने दिल में प्यार लिए बैठा है। आई होप कि उसे उसका प्यार मिल जाए। जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता, और वो थोड़ा अजीब भी है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। कभी अपने बारे में सोच के थोड़ा सेल्फिश हो जाए तो सब कुछ मिलेगा उसे। एनीवेज, इस वक्त हम दोनों को अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में, राइट? यार चीकू, तुझे पता है हमें कोई भी लड़की क्यों नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि कोई भी लड़की अकेली नहीं होती। हर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ यार। अरे वहाँ देख, अकेली लड़की। अरे जिसकी टांगे इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा क्या होगा यार? वाओ लवली। It's very marvelous day, isn't it? By the way, I'm Romeo. And I'm Chiku. लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। उस दिन ऑफर करने ही वाला था जब देखो ये खाने की बात करता है। चलो चलो देखो काजल को भी बुलाते हैं, बहुत मजा आएगा। काजल कम जॉइन अस। यहाँ क्यों बैठे हो? काजल कम ना। अरे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था बुक का, वापस करो। अरे बहुत मजा आ रहा है वहाँ पे। अरे कम 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 कम। नहीं डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट यार। मैं आऊंगी ना थोड़ी देर में। अरे रोमियो नहीं यार। अरे अभी अब आई विल हैंडल हिम। उसने कहा ना उसे बुक वापस दो। रणवीर वो मजाक कर रहा था। मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। मैंने कहा ना वो मजाक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम। यू आर गोइंग टू बी माय वाइफ और तुम्हारे साथ कोई ऐसा मजाक करे आई विल नॉट टॉलरेट। रणवीर आई एम सॉरी, मैं तो ये मेरे और काजल के बीच की बात है। यू कीप आउट ऑफ इट। I'm sorry. कल वो जो रोमियो के साथ हुआ। It's okay रणवीर, मैंने रोमियो को भी समझा दिया है। काजल की शादी होने वाली है और हम उसे कितना भी प्यार क्यों ना कर लें, हमारा रिश्ता तो उसके साथ बदलने वाला ही है ना। अर्जुन you're so understanding. तुम बात को कितनी खूबसूरती के साथ समझाते हो। No wonder काजल सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। I need a favor. Anything for you. काजल मुझसे बहुत नाराज है रोमियो को लेकर. उसे प्लीज समझाओ. वो मुझसे बात भी नहीं कर रही. अगर तुम कहोगे तो वो जरूर मान जाएगी. मैं तो बात कर लूंगा रणवीर, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि काजल और तुम्हारे बीच की बात है और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए? यार चीकू, आखिर कब तक ऐसे जिंदगी चलती रहेगी यार? कब आएगी जूलियट हमारी लाइफ में? जवान है, खूबसूरत है, क्या कमी है हमें यार? यू आर राइट यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्या कमी है हमें। ओह माय गॉड, वो देख ओह माय गॉड, क्या कैसा हुआ यार? देख लड़कियाँ क्या चिपक रही है उसे। पता तो करे कौन सा टॉनिक पीता है। हाँ चल 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 चल। Chacha, how come these girls are mad about you? I have a secret spray. Huh? And if I give it to you, you can spray this on any girl you want. She'll be all over you. Oh, thank you. Kis pe try kare? Wow, kya figure hai yaar? She's so hot. कंट्रोल नहीं हो रहा यार, ट्राई कर। हाँ यार। अभी ये तो कुत्ते पे चला गया यार। अभी ये क्या हो गया यार? गलती हो गई। मर गए। अगर मुस्कुराओगी तो और भी अच्छी लगोगी। अब भी नाराज हो रणवीर से? You know, I don't understand him, Arjun. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ ही नहीं पाता। अगर उससे नाराज होके अलग बैठोगी तो कैसे समझ पाएगा? क्या पता, शायद वो भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहा हो। काजल, तुमने और रणवीर ने शादी करने का फैसला किया है और ये कोई आसान फैसला नहीं है। अगर एक दूसरे को जानने और पहचानने के लिए वक्त नहीं दोगे तो तुम एक साथ जिंदगी कैसे बिताओगे? अगर वो तुम्हें नहीं समझ रहा तो तुम उसे समझाओ। इस तरह दूर बैठोगी तो कुछ नहीं होगा। तुम कितने समझदार हो अर्जुन, रिश्तों के बारे में इतना सब कुछ जानते हो। और मैं हमेशा समझती थी कि तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम कुछ जानते नहीं। But thanks, Arjun, for being such a good friend. Ranveer, I'm sorry. It's all right. The power invested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Excuse me everyone, I have something to say. आज सूजन और जॉन की शादी हो गई है और इस मौके पर मुझे एक और शादी की अनाउंसमेंट करनी है, मेरी काजल के साथ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं और वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए हम 3 दिनों में यानी कि मंडे को यहीं शादी कर रहे हैं। वेल, इसका मतलब ये भी है कि आप लोग और 3 दिनों तक नहीं जा सकते। एंड आई एम सॉरी जॉन, सूजन, आपको आपका हनीमून 3 दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। रणबीर, ये तुमने क्या किया? मुझे बताया तक नहीं। बिकॉज आई वॉन्टेड टू सरप्राइज यू। एक सरप्राइज और भी है। लेकिन रणवीर, तुम there they are, such a handsome couple. Yeah. Hi, Mom. I'm so happy for you, beta. Such a pleasant surprise. पापा, आपने बताया नहीं आप आ रहे हो? अरे मैं तो बता देता, पर रणवीर ने वार्न किया था कि तुम्हें फोन ना करो। अच्छा रणवीर, I don't think so. सर, हम ये स्कीम स्लम ड्वेलर्स को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं गार्डन के जगह पे एक और बिल्डिंग प्लान करो। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? हाय, वन सेकंड। नो नो, इट्स ओके। देखिए, आपको जो कहना है कह लीजिए। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट जिस प्लान की वजह से मिला है, मैं उसे ही फॉलो करूंगा। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। गुड डे सर। हाय हाय, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, बस कुछ बात करना चाहती थी, पर लगता है गलत वक्त पर आ गई। आई एम रियली सॉरी। काजल, देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम फॉर यू। बोलो क्या बात है? फिर रणवीर के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रणवीर ने अचानक शादी की अनाउंसमेंट कर दी। आई डोंट नो, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। मैं उसे और जानना और समझना चाहती हूँ। मुझे लगता है हम जल्दी कर रहे हैं, हमें वक्त की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है? काजल, रिश्ते वक्त से नहीं, जज्बातों से मजबूत होते हैं। कभी कोई 1 साल तक जानने के बाद भी अपने दिल की बात नहीं समझ पाता, तो कभी कोई किसी को एक पल में अपना जीवन साथी मान लेता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, और उसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन साथी में चाहिए था। रही बात एक दूसरे को समझने की, तो वो सिलसिला तो जिंदगी भर चलता रहेगा ना। इसी को तो शादी कहते हैं। हेलो, हाय रणवीर, वो यहीं पर है। वन सेक। रणवीर, मेरे लिए? हेलो रणवीर। या अर्जुन, ये क्या किया तूने? अगर वो रणवीर के बारे में कंफ्यूज्ड है तो तुझे उसे अपने बारे में बता देना चाहिए था ना। तो क्या होता, वो और भी कंफ्यूज हो जाती। नहीं रोमियो, उसकी खुशी इसी में है कि वो रणवीर से शादी करे। और तेरी खुशी? उसका क्या? वो भी तो उसी की खुशी में है। आई एम सीरियस, मैं काजल को बहुत चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ कि उसकी खुशी के लिए उसे खोने के लिए भी तैयार हूँ। रोमियो, इसी को तो प्यार कहते हैं। अर्जुन, आई डोंट एग्री। मुझे लगता है कि तू अर्जुन, तुम्हारा फोन। अर्जुन, तुमने हमेशा मेरे दिल की बात को सुना, समझा, पर अपने दिल की बात कभी नहीं बताई, और मैंने भी कभी नहीं पूछा। इट्स नॉट फेयर ना। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, यही कि रणवीर इज राइट फॉर मी। कभी कभी सच्चाई सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। थैंक्स अर्जुन फॉर बीइंग अ ट्रू फ्रेंड। That tender has to be sent in 24 hours, किसी भी हालत में। और मार्था से कहो मुझसे बात कर ले। Just tell her to talk to me and finish it off, right? It has to be sent anyways, anyhow. Just do it. I'll just talk to you. Hold on 1 second. कैसी लग रही हूँ? मुझे बहुत पसंद है। मुझसे क्यों पूछ रही हो? I'm busy on the phone. Yeah, so please ask Martha. बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ एक चीज की कमी है। क्या? Just smile. काजल को पहना दो, ये तुम्हारी दादी की निशानी है। तुम्हारी दादी हमेशा यही चाहती थी कि तुम इसे अपनी होने वाली बीवी को पहनाओ। गो अहेड बेटा। Sure. Give me a hand, please. ये तो बहुत छोटी है। तो इस उंगली की बजाय दूसरी उंगली में पहना दो। किस तरफ लेके जाए, टूटे बिखरे पत्तों में ढूंढता हूँ मैं साए। ओ जिंदगी क्या बताए, किस तरफ लेके जाए, टूटे बिखरे पत्तों में ढूंढता हूँ मैं साए। खुशी नाराज आए, शिद्दत गम सताए, प्यार की शबनम से तू अब्र बरसाए। Ladies and gentlemen, your attention. It's a special day. एक बेटी का बाप सालों तक इसी दिन का इंतजार करता है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डरता भी है। मैं भी डरता था कि काजल एक दिन बड़ी हो जाएगी और उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने पड़ेंगे। काजल अपनी एक ड्रेस चुनने में सारा दिन लगा देती थी। मैं सोचता था कि अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कैसे करेगी, पर मैंने उसे हमेशा एक ही चीज सिखाई कि दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल का साथ देना। और मुझे यकीन है कि जिंदगी के इस बड़े फैसले में भी काजल ने अपने दिल की ही सुनी होगी। आई लव यू माई चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस यू। आई प्रपोज अ टोस्ट टू काजल एंड रणवीर। चीयर्स। तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस सोच रही थी। क्या सोच रही थी? भाग तो नहीं रही हो? सोच रही थी कि कल से मैं नहीं रहूंगी। कल से काजल मिसेस रणवीर ओबेरॉय बन जाएगी। मिस काजल मेहरा की आखिरी शाम है। काजल, तुम उस सूरज को देख रही हो? कुछ ही देर में वो डूब जाएगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो सूरज नहीं रहेगा। कल सुबह फिर निकलेगा एक नए दिन को लेकर। यही जिंदगी है काजल, बदलती ही रहती है, मगर कुछ जज्बात नहीं बदलते, जैसे प्यार, दोस्ती। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया है। तुम्हें जितना भी दूं काजल, कम ही होगा। इस बादल में, शाम के आंचल में, चांद में अक्स तेरा ही मुझे क्यों दिखता है। उदासी का मंजर, लफ्ज घूंगे बंजर, जो कहना था तुझसे कहना सका। हाँ जी, प्लीज सेंड द फाइल टू माई प्लेस इमीडिएटली। मैं आज रात को ही देख लूँगा और कल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, जस्ट कॉल यू बैक राइट अवे इन 5 मिनट्स। थैंक यू। हाय, काजल को ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन, तुमने कहा था कि तुम्हें किसी लड़की से प्यार था, पर तुमने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। फॉरगेट दैट रणवीर, अब क्या फ़ायदा। और वैसे भी उसकी शादी हो रही है। फिर भी कुछ तो बताओ उसके बारे में। नहीं बता सकता रणवीर। एनीवे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों नहीं बता सकते अर्जुन? क्योंकि तुम काजल से प्यार करते हो। बताओ अर्जुन, तुम्हें काजल से प्यार है ना? हाँ, मैं काजल से प्यार करता हूँ। तो फिर उसे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्यार को जिंदा रहने के लिए रिश्ते की जरूरत नहीं है रणवीर। मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं, ये गलत है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये सीखा है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ता है, चाहे वो कामयाबी हो या प्यार। किससे लड़ूं रणवीर? मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, पर यह भी तो सच है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। और चाहे जितना भी लड़ लूँ, इन दो सच्चाइयों के बीच समझौता कभी नहीं हो सकता। मगर तुम तो काजल के सबसे अच्छे दोस्त भी हो। क्या उससे इतना बड़ा सच छुपाना सही था? बिल्कुल नहीं, पर उसने इस सच को कभी नहीं छुपाया। उसके प्यार की सच्चाई हमेशा मेरे सामने थी, बस मैं नहीं देख पाई। और हर लड़की की तरह मैंने अपने दिमाग में एक सपनों के राजकुमार की तस्वीर बना ली, जो कामयाब हो, जिसकी अपनी पहचान हो, जो जिंदगी की सारी खुशियां मेरे कदमों में डाल दे। और फिर तुम मिले रणवीर, जिसमें ये सब कुछ था, बस अपने सपनों की चकाचौंध में खो गई। और आज जब अर्जुन की प्यार की सच्चाई मेरे सामने खड़ी है, तो मेरा दिल कहता है कितनी देर कर दी। काजल, अभी भी देर नहीं हुई है। फैसला अब भी तुम्हारे हाथ है। तुम्हें अपना सपना चाहिए या सच्चाई? यू डिसाइड। तुम सभी क्या बात कर रहे हो रणवीर? काजल, सब फैसले हो चुके हैं। रणवीर, तुम काजल का सपना हो, और काजल, बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। दिल का क्या है, संभाल लेना। कैसे? जैसे तुम संभाल रहे हो। मुझे और बहस नहीं करनी। I'm sorry रणवीर। It's all right. दिल की बात छुपाने वालों में से हो। तुम हम सच कहते थे अर्जुन। दूर से अच्छी लगने वाली हर चीज जरूरी नहीं है कि पास जाकर उतनी खूबसूरत हो। ये बात मैंने रणबीर के साथ रहकर सीखी। तुमने हमेशा अपने दिल की बात छुपाकर मेरा साथ दिया। ये प्यार नहीं तो और क्या है। बस मैं नहीं समझ पाई। मेरे पापा हमेशा कहते हैं अगर दिल और दिमाग की लड़ाई हो तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए, और आज मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। I love you, Arjun. I love you. I love you, Kajal. I love you. I love you, Kajal. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है रणवीर। क्या पता काजल से भी कोई अच्छी लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही हो। माँ, आपको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। सच तो यह है कि काजल से अच्छी मेरे लिए कोई लड़की हो ही नहीं सकती, पर उससे भी बड़ा सच यह है कि काजल के लिए अर्जुन से अच्छा लड़का हो नहीं सकता। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। क्या? मेरे काम से माँ, मेरे काम से। रणवीर, बाय द वे चिकू, मैं ये बोल रहा था कि hey, handsome. Please, leave us alone, please. ये रियाज। बस यार, आज से लड़कियों के बीच भागना एकदम बंद। तू सही बोल रहा है यार। अब हम सच्चे प्यार की तलाश करेंगे। वैसे ज्यादा दूर तो नहीं गई होगी ना? Hey, we are coming.